डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर और हिमालयन एवियन की तरफ से आज एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के अलग अलग जगहों से बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर वुमन क्लब मेरी पहचान की फाउंडर संध्या गुप्ता और CN न्यूज की टीम ने बच्चों को प्राइज देकर उनका मनोबल बढ़ाया। अंदर से पहुंच रही हूँ, थोड़ा लेट होगी तो आज मैं बच्चों की परफॉर्मेंसेस नहीं देख पाई, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था जब छोटे छोटे बच्चे अवार्ड ले रहे थे और यहाँ पे उनके पेरेंट्स, मेंटर्स, सब लोग, एक उत्साह सा लग रहा है। और मैं यहाँ सुरेश सर और यहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टेड, यहाँ पे जितने भी फ्रंट रो पे बैठे हुए, सॉरी मैं अगर किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि ये सब लोगों की वजह से जो आप सबको ऑनर किया जाता है, तो अपने आप में आप सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और वुमेन क्लब मेरी पहचान की मैं फाउंडर, हम पूरी टीम के साथ यहाँ आना चाहते थे पर मेरा बिजी शेड्यूल था तो मैं उनको नहीं ला पाई। इतना ही कहना चाहती हूँ, ये बच्चे देश का फ्यूचर है और आप सब लोग इनकी बैक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे जाके इनमें से ही बहुत सारे बच्चों का टैलेंट जो है दुनिया भर में निखर के सामने आएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए मैंने जो नेशनल चैनल है CN न्यूज चैनल, जो बाहर का चैनल है, मेरे साथ उनके चीफ ब्यूरो सनी जी आए हुए हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो क्यों ना ये वर्ल्ड वाइड हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। तो आज वो CN न्यूज चैनल हमारे यहाँ पे मौजूद है और आपकी ये जो कवरेज है ये आज सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरा वर्ल्ड देखेगा और सारे बच्चे और यहाँ पे जितने भी रिस्पेक्टेड यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि बाहर के लोग भी इनके टैलेंट को जाने पहचाने। और यहाँ तक मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा हाजिर मिलती हूँ। एक बार फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे कुलदेव सर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे न्योता दिया और आप सबसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू, शुक्रिया। वाइल्ड लाइफ वीक जो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, इसमें हर साल हम हिमालयन एवियन जो एनजीओ है उसके साथ मिलके एक वाइल्ड लाइफ मोस्टली बर्ड्स पे किसी थीम पे पेंटिंग कंपटीशन करवाते हैं। ये उसी का आज पार्ट था कि जो बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई थी मिट्टू की आज़ादी, जो तोता, जो पैरट जो लोग घर में रखते हैं, उसकी अवेयरनेस कम्पेन के लिए कि लोग उसको ना रखें, उसको आज़ाद रहने दें क्योंकि इलीगल भी है ये। तो बच्चों ने लगभग हमें जग जगह से कुछ 400 के करीब पेंटिंग्स आई थी, जिसमें कुछ 37 स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो उसका जो आज ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, इसकी एग्जीबिशन भी 3-4 दिन के लिए लगी थी ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, और जो हमारी इवेल्यूएशन कमेटी थी उसने इसको इनको जो था इवेल्यूएट करके फिर बच्चों का जो था उन्होंने बताया था कि कौन इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेगा। 4 कैटेगरीज थी, छोटे से लेकर के बड़ों तक की, और 4 कैटेगरी में 3-3 प्राइज रहे हैं और कुछ कंसोलेशन प्राइज रहे हैं बच्चों को इनकरेज करने के लिए। ये हमारा प्रोग्राम था। CN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।